तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो मैं सलोन से आगे कर रही हूँ, क्योंकि रात एज यूजुअल हम लेट हो जाते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो जैसे भी उठे फटाफट रेडी होकर सलोन आ गई। तो अभी मैम के करने लगे हम हेयर एक्सटेंशन, और हेयर एक्सटेंशन जो है मैम के खुद के बाल भी ठीक है, मतलब लेंथ, बट एक जो शौक होता है ना कि और अच्छी लेंथ चाहिए और अच्छी डेंसिटी चाहिए। मैम मोहाली से आए तो कई बार फेस नहीं दिखा सकते, समझ आए तो अभी मैम एक्साइटेड है, बोल तो सकती मैम फुल एक्साइटेड है लंबे बाल करने के लिए। मैम का कलर जो है वो इनके जो नेचुरल हेयर का कलर है वही करेंगे, और स्ट्रैंड्स जो हैं 100 स्ट्रैंड्स लगाने लगे हैं 26 इंच लेंथ। करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं, बीच बीच में जो चलता रहेगा आप देखते रहना। Guys, here is my new look. तो guys, मैंने क्या किया है कि एक्सटेंशन रिमूव करवा के और मैंने ये शॉर्ट हेयर वाला ये वाला लुक लिया, मैंने कट करवाया बहुत अच्छा सा, और मुझे लगा कि बहुत दिनों के बाद ना लंबे वालों से भी मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ, मतलब ऐसे नहीं हो रहा था कि बोर हो गई थी ना मैं, बोर बहुत जल्दी होती हूँ चीज़ों से, तो मेरे को लग रहा था अभी कुछ दिनों के लिए अगर घूमने का हमने कहीं जाएँ तो छोटे छोटे बाल ऐसे वो जैसे फॉरनर वाला लुक सा नहीं होता, वो करना था मैंने। कैसी हो जाऊंगी? ओ देख ले कोमल। तो गाइस मैं अभी बस कट कुट करवा के एक्सटेंशन मैम के चल रहे थे, मैंने जो टेक लिया था पहला टेक वो था, सेकंड टेक मेरा, उसके बाद मैंने कुछ ही नहीं किया। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ये न्यू वाला लुक आपको कैसा लगा कैसे देख वैसे तो मेरे को तो लगा कि कुछ ठीक है और बाल मेरे हेल्दी हो रखे हैं पहले से। पहले जो मेरे बाल मैंने जब एक्सटेंशन करवाए थे तो मेरे बालों पे कोई कट नहीं कर सकते थे, बच्चे बोलते थे कि मैम बिल्कुल आपके बाल जो है ना बिल्कुल है ही नहीं, तो क्या कट करें। अब ठीक हो गए हैं, अब हेल्दी हो गए हैं बाल, तो अच्छा कट ले लिया। अभी कुछ करते हैं बाहर, दिखाते हैं, मिलते हैं आपको। क्या कहना चाहोगे आप मेरे बालों के बारे में? बहुत अच्छे हैं। कैसे हो गाइस? कैसे हो गाइस, मेरे बाल बता दो गाइस। अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद। सो गाइस मैम के हेयर एक्सटेंशन डन है, और मैम आर यू हैप्पी? अच्छा लग रहा है आपको? मैम ने पहले भी ऐसे ही बताया था, फेस नहीं रिवील करना चाहते, बट आप एक्सटेंशन एक बार देख सकते हो, मैम के बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा वॉल्यूम भी आया है, और साथ में जो मैम के मर्ज हो गए हैं हेयर बिल्कुल पता नहीं चल रहा। कलर जो है मैम ने बेस कलर लिया है बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आपने स्ट्रैंड्स देखने हैं तो मैं बीच में दिखा देती हूँ। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि स्ट्रैंड्स कैसे लगाते हो आप, ये स्कैल्प के साथ टच होते हैं या नहीं, तो आप देख सकते हो ये सिर्फ हमारे रूट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। एक बार आपको दिखा दूँ यहाँ से, जैसे आप देखोगे तो ये रूट्स के साथ नहीं है, मतलब थोड़े से नीचे कनेक्टेड है, तो इससे आपको कॉम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल वॉश कर सकते हो। और अगर किसी को लगता है कि इस पर कोई भी जैसे कलर कर सकते हैं, केमिकल कर सकते हैं कि नहीं, इस पर आप हर रोज़ चाहे हर रोज़ स्टाइलिंग कर सकते हो, केमिकल कोई भी करवा सकते हो आप, इनको हर रोज़ बन बना सकते हो, पोनी टेल कर सकते हो, या फिर ब्रेड भी बना सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, हम भी खाने वाली जगह पर जाके भूख लगी। सो गाइस सलोन से निकल चुके हैं हम मार्केट, एक बार कोई काम था मैं कोमल और उसके मामा, और अभी रास्ते में पापड़ वाला मिला तो हमने लिए हैं पापड़, क्योंकि भूख इतनी लगी हुई है, सुबह से सिर्फ एक एक रोटी खा रखी है तीनों ने, और सारा दिन काम काम इधर उधर लगे रहे हैं सलोन में, कुछ खुद का करवा लिया, कुछ क्या कुछ क्राइम्स का कर दिया, और अभी जो है अभी हम जा रहे हैं एक बार मार्केट काम से, तो रास्ते में पापड़ खा लेते हैं फिर कुछ और खाएंगे। बोलो। सो गाइस घर पे आ गए, और मेरी और रोनी की ना लड़ाई चल रही है किस चीज को लेकर, तू ही बता दे। मेरी भी सेम डे में है। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली मैं बताती हूँ इधर होके, कि 6 तारीख को रोनी ने शादी में जाना है, 6 को मैंने जाना है, रोनी के भी पड़ोसियों की शादी है, मेरे भी पड़ोसियों की शादी है, मेरे भी आवे तो चाचे का मुंडे को नहीं लगती, भी है नहीं तो जाना जरूरी है देख लो, और ये लड़ाई कर रहा है भी मैं जाऊंगा, मैं बोल रही हूँ मैं जाऊंगी, तू घर संभाल, ये बोल रहे आप घर संभालो मैं जाऊंगा। शेफू मैं डोलू, तू तो जे डोलू का शेफू का प्यो है, ओनू की करानी आप दोवे ओ करे तो और हुन दस सिंधी स्वीट वाले सिंधी स्वीट वाले जिंदाबाद। गाइस प्रॉब्लम हो रखी है बहुत तगड़ी, और ए आंदे मेनू मस्के लाने शुरू कर देता है, और दीदी
पानी पियोगे दीदी, चाय पियोगे दीदी, बोलियो ना। नहीं तो मैं ऐसा पूछ रहा माड़ा कि ना माड़ा तो तू नहीं कीता ब्याह तो हले अगर 6 तारीख नु अगले महीने बैंक से मगर नहीं पहले छोड़ दता सेवा दिया बच्चा तू जेड़ा मस्का लाउंदे ना आ वे लो गाइस पानी दे नाल केला भी खवांदे पानी दे नाल केला खवान लग्या होया कोई केला खा लो तो सर ने अपने दोवां दी काम खराब करता पता तेनू सर कहंदे दोवां नु नहीं जाना एवें मना लांगे ही गाइस गुड मॉर्निंग तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है कल का व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था तो मैंने सोचा कंप्लीट कर देती हूँ तो अभी मैं ले आई हूँ चाय पाठ पूजा कर ली है और उधर जनाब जी को उठा रही हूँ नन्ना नन्ना उठ जो चाय पियो क्या क्रैंकी हो रहे गाइस एक दो दिन हो गए इनको वो एक वो कौन सा चैनल है उस पर एक वो आता है प्रोग्राम टेम्पटेशन आइलैंड वाला तो उसमें वो लड़कियों का एक डायलॉग है कि जब मैं सुबह उठती थी तो मैं क्रैंकी उठती थी तो ये भी बोले मैं क्रैंकी हो रहा हूँ हो रहा हूँ क्रैंकी निकाल दूंगी मैं क्रैंकी पर खड़े हो जाओ हो रहा हूँ क्रैंकी देख देख के सारा टीवी और अब उठा नहीं जाता उठो उठो और ये देखो बच्चे आ गए दोनों आज आज डोलू आज डोलू आज डोलू और मिला बच्चा और मिला बच्चा किधर जाएगा किधर जाएगा किधर जाएगा ओए 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 छुपा छुपा कहाँ से आए हो तुम दोनों कहाँ से आए हो क्या मस्ती करके आए हो तो गाइस चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं सो गाइस हो गए ऑफिस के लिए रेडी और आज पहना है मैंने कुछ ऐसा सा आउटफिट क्योंकि मुझे ये वाली ड्रेसेस जो है ना ये बड़ी कंफर्टेबल लगती हैं लॉन्ग स्लीव्स हाई नेक और फुल बॉडी कवर्ड और वैसे भी ये ना कंफर्टेबल होती है स्ट्रेचेबल होती है ना और विंटर से थोड़ा बचा भी जा सकता है थोड़ी थोड़ी ठंड जैसी अभी स्टार्ट होगी तो अभी चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं आपको ऑफिस जाके फिर आज बहुत सारे काम है उसके बाद जाएंगे घूमने बनाएंगे अच्छा सा प्लान कल आ रहे हैं हमारे सैलून पे एक सेलिब्रिटी बहुत बड़ी और कल हम आपको मिलाएंगे उनसे जरूर तो जनाब इनकी बातें पहले सुन लिया कर हाँ जी क्या कह रहे थे एक हमारे एम्प्लॉई हैं जो छुट्टी लेने की जबरदस्ती कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि छुट्टी इस बार कैंसिल कर दी है तो ये गाइस आप समझ सकते हो ये सुनाया जा रहा है रोनी को रोनी छुट्टी लेने की सोच रहा है और तो कोई सोच ही नहीं रहा सबकी छुट्टी कैंसिल है मेरी भी आपकी भी सब तो उधर हमारा एक बच्चा जहाज बन के उधर बैठा उड़ने के लिए और दूसरा ये देख रहा है बाय डोलू बाय डोलू जा रहे हम बाय बाय रोनी तेरे को सुनाया जा रहा रोनी गाइस उधर तुम पहले आके खड़े हो जाया करो सो गाइस इस बार मैंने ना कल मतलब मेरे बालों के ऊपर एक टोन करवाया था कलर और वो कलर है ये वाला पर्पल हाँ कहाँ लगाए ये मेकअप करके और शायद मैंने पहना इसलिए लगाया और ये देखो कलर अच्छा आ रहा है पर्पल पर्पल अच्छा आ रहा है हाँ जी सो गाइस ऑफिस पहुंच चुके हैं और आके बस अभी कुछ ही नहीं किया बैठे थे एक सोचा बता दूं आपको कि ऑफिस पहुंच गया अभी चलती हूँ बाहर फ्लोर पे देखती हूँ काम क्या क्या चल रहा है क्योंकि सैटरडे संडे ऑब्वियसली काम होता है तो दिखाते हैं आपको भी की जो शुरुआत है वो रेडी होके और ऑफिस जाने के लिए क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे सैलून में बहुत ही प्यारी सी मेरी फ्रेंड उनका करना है हेयर एक्सटेंशन तो आपको उनसे मिलवाएंगे जाके और अभी क्या करते हैं फटाफट से लिफ्ट आ गया चलते हैं सैलून सो गाइस हेयर इज आवर प्रीति देसाई प्रीति का बर्थडे था 15 दिन हो गए हैं इसको लड़की को आते आते 5-6 हो गए आपको ये वाला फोन देखे हुए लावा का इससे बढ़िया कंपनी नहीं मिली कोई देखो गाइस ये कहते कि इन्होंने बोला कि ऊपर 10वीं मंजिल से भी फेंको कि टूटेगा ट्राई करें ऊपर चले ट्राई करे ट्राई करे आज इसको तोड़े एक बार अच्छा पैसे लगे हैं ये फोन है मेरे लिए क्योंकि
मेरे को सब बोलते हैं कि तूने व्हाट्सअप का रिप्लाई नहीं करना होता, तू मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, तो ये वाला फोन रख। स्मार्टफोन क्या भगदड़ नहीं हो, टीटी वाला फोन। इवन तो मेरे ये एम्प्लॉई है ना, मैं इनको बोलती हूँ कि कोई भी काम की बात होती है तो सर के नंबर पे मैसेज किया करो, मुझे मैसेज मत किया करो, क्योंकि मैं सब नोटिफिकेशन ऑफ रहती है, मैं किसी का मैसेज नहीं देखती। अब तो कॉल के लिए आप मैं अब ये वाला फोन यूज करूँगी। नाल सोना लगूगा फड़िया होया, सोना लगूगा फड़िया होया। नहीं, इनको लगा के देंगे शीला शीला की जवानी। ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। ये फोन मंगवाया मेरे नक्कू के लिए क्योंकि उसकी 10th की स्टडी एंड्रॉयड मतलब आईफोन से बिल्कुल उसकी गर्क हो रखी है। वो चाहता है कि वो फोन में घुसा रहे, और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उसके पास फोन हो जिससे मैं उसको कॉल करके पूछ सकूँ कि बेटा कहाँ है, तो ये वाला फोन उसके लिए। वाओ, नकु रेडी रहो। फोन ला के दिया आज उसका, शाम को जो 4 घंटे का मैं मुंह उसका जो बनेगा और फिर मैं सहन करूंगी वो आपको जरूर दिखाऊंगी। जब वो बोलेगा मम्मा कैसे पॉसिबल हो सकता है लोगों के बच्चे 15 ले रहे हैं, आप मेरा 13 छुड़वा के ये ले रहे, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप मुझे बेसिक से स्टार्ट करवा रहे हो। देखा है प्रीति 1100 शगन। तो ये देने वाली आज मैं एक और नकु को गिफ्ट, एक और फोन ये आप लोगों के लिए, ये इन लोगों के लिए, नीवा के लिए। एक चीज और दिखाती हूँ, वाओ पिंक कलर का। इनके खुद का एक फोन नहीं टूटता, और इस वाली जो हमारा मतलब जो रिसेप्शन वाला फोन है ना, ये 5 बार तो इसका मैं ये डिस्प्ले डलवा चुकी हूँ, इतना तोड़ते हैं ये बच्चे। फिर आज एक नया फोन पर मैंने इसमें वो पिंक कलर दिखा ना, दू दे दो पिंक कलर, स्क्रीन गार्ड डलवाया है इसमें, पिंक कलर गाइस, स्क्रीन गार्ड डलवा दिया है। अभी इनको देना ही नहीं है, टूटे फोन से काम चलाएं। हाय, तो भाई थोड़ी देर में मैं मिलवाती हूँ आपको किसी से, ले ले ये देख ले ये युवा का। चल चल मेरा है। मैं मिलवाती हूँ किसी से, जब मैं घर से निकली थी तो मैंने बोला था जाके सलून में आपसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मैं हमारे बहुत ही प्यारे से गेस्ट आए हुए हैं, अभी थोड़ा सा उनका काम चल रहा है, एक बार काम हो जाए उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून। सो फाइनली मैं कदम नहीं कह रही थी थोड़ा कि गेस्ट ना मिलवाना है, बहुत ही क्यूट जे गेस्ट ता ही इन्हों का नाम भी इन्होंने लोग जानते भी क्यूट कि इन्होंने नेम तो है। तो अज छोटे है मेरे तो नाम तो ही बुला लें, दीप वैसे मैं दीप कहनी सारे नाम तो जिन्हों मेरे को आए हैं अज इन्हें करने लगे आप हेयर एक्सटेंशन। वैसे इन्होंने खुद के वाल भी तुम देख सकते हो, ठीक वाल है, अच्छे है, पर आप 20-18 स्ट्रेंथ कर लगे इन्होंने, बड़ा वधिया लगे इन्होंने मिल के, बड़े क्यूट ने, बहुत ज्यादा लगा मिल के सच्ची उन्होंने क्यूट ने, जिन्हें वीडियो से देख रहे जिन्हें इन्होंने देख के लगा ना कितने क्यूट है, उस नाल ज्यादा क्यूट मतलब इन्होंने नाल जब बैठ के गलबात की थी उदो पता लगे कि सच्ची बहुत क्यूट ने। एक्साइटेड हो तुसी हुण? हां जी मैं बहुत एक्साइटेड हां, टाइम सवेरे सवेरे आ गई, मैं अज करवा लेना जल्दी जल्दी। नहीं वैसे थोड़े वाल वैसे बहुत अच्छे लग रहे थे, इन्हों का पहला केराटिन ट्रीटमेंट करता है क्योंकि वाल जड़े से कलर करके थोड़े डैमेज हो जाते हैं, तो आप जो हम वाल लाए हुए भी केराटिन करके कलर करके रेडी करके रख लिया, बस स्ट्रैंड लाने हैं ला के फिर मिलते हैं, फिर दिखाने आप इन्हों का लास्ट वाला लुक। तो सीरियसली क्यूटनेस ओवरलोडेड जो होती है वो असं अंदर बैठे भी गल कर रहे थे, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਡੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਊਟ ਗਿੰਨੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਊਟ ਗਿੰਨੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਊਟ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂ ਪਤਲੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਡੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਟੇ ਪਤਲੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ आप देख सकते हो सलोन अभी चल रहा है फुल। हाँ जी किधर खा रहे हैं, सब जगह चल रहा है काम, बच्चे लगे हुए हैं, तो ऐसे ही मेरा सैटरडे संडे जो है वो पैक चला जाता है, और सब लोग बोलते हैं कि आप व्लॉग नहीं डालते हो रेगुलर।
गाइस इधर प्रीति को काम लगा रखे है, क्या काम कर रहे हो? ये बीड्स गिन रहे हैं, देखो मेरे को तो शरारत हो जाएगी ये गिनते गिनते। और ये काम रजनीश जी का देख रहा है, ऐसे काम लगाते वेले लोगों को पता लगे कितने आ रहे कितने कितने गिन दिए अब तक, अभी तक तो 57 हुए हैं। मोती गिनने लगा दिए, बैठे रहना पूरी रात ही। मुझे बताओ गाइस, अब देख सकते हो अभी चल रहा है काम, एक्सटेंशन अभी चल रहे हैं, अब दिखाते हैं एंड का रिजल्ट। पहले हम प्रीति का दिखा लेते हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट कर देना रात तक। अच्छा, सोने का भी शायद यहां पे। सो दिस देख सकते हो एक्सटेंशन डन हो गया गुरलीन दे, बहुत ही प्यारा जा लुक आया है ना, क्योंकि जड़ी एक्सटेंशन सी हुई ना दे वाला में नाल बिल्कुल मर्ज करे सी, कलर भी मर्ज हो चुके हैं। केराटिन ट्रीटमेंट करता है वॉश कल पे वो उनके, बाकी तो सी फ्रंट तो देख लो, बहुत सोना लग रहा है चाचू खिलाने कुछ दिखाता, बाकी चीजा बस दिखाई इधर कुड़िए देखना ये कैसे घूम रही है ना इसका। क्या हो रहा है तेरे को, थकी मेकअप करके? थकी नहीं। तो ऐसे कैसे घूम रही है ऐसे जल्दी सी? क्यों घूम रही बता दो। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है, चाय पी ले, एनर्जी आ जाएगी अच्छी सी कड़क सी। मैंने कार लेनी है। कार लेनी है, पिंक कलर की। मैं पहले तेरा उधर का मुंह था तो मैंने बोला था तेरे को आगरा छोड़ के आना, वो सही बोला था। सही बोला था, उसी कार में आगरा जाएंगे। मैंने मोटर कार ले ली है, मजराटी है, पिंक कलर की, मैंने बुक कराई है। कौन सी? मजराटी। आंटी पानी लेके आओ जल्दी से। ये बोल रही कि कल खाना नहीं खाया था तो कल मैं नहीं गिरी, आज मैंने खाना खाया है। आज भी नहीं खाया तो आज क्यों गिर सकती हूँ, तो मतलब भूखे रहना है? तू डरा देती हो हमें, पता तेरे को तेरा इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। सही बात है, कभी भी गिर जाती है ये। हाँ, इसका हेल्थ इंश्योरेंस ही करवाना पड़ेगा, तीसरे दिन गिरी रहती है ये। आगरा ले जाते ले आए इसको हॉस्पिटल, अब लगेगी ड्रिप और फिर महीना किसका सही निकल जाता है, फिर हो जाती है बीमार। वो वाली बीमार नहीं होती है। कौन सी नहीं होती? ये घंटे दो घंटे वाली होती है। हाँ, बस चलती चलती गिर गई और फिर ठीक है उसके बाद सुबह वापस जो मजाक की मजाक बात है, इसकी वीकनेस है, इसको प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और मैं कोई आवाज दर्द होती है, मैं तो भी नहीं जाती कि मैंने आज तक इसको दिखाऊंगी। मैंने हाथ दी देखो तीसरी बार सुई निकाल दी। ये देख लो गाइस, यहाँ डॉक्टर के साथ मत्था मार रही है, पता डॉक्टर साहब को बोल रही है ये। एक बात बताओ, बताना पड़ेगा घर वालों को कि तू खाना नहीं खाती, और मैं रीजन भी बता दूंगी, मैं रीना मम्मा को खुद कॉल करके बोल दूंगी कि खाना नहीं खाती इस वजह से बीमार होती है, डॉक्टर साहब खुद बोलते हैं खाना ना खा, ना खा खाना। आइसक्रीम क्यों लोगे? बताऊंगी, ये तो बताने वाली चीज है। प्लीज, और डॉक्टर साहब को बोल रही है ये बोतल बता दो कहाँ से मिलती है, मैं खुद ही खरीद लूंगी। ना कोई लिहाज नहीं, दो राय है ही नहीं हमारी भी, कोई दो राय नहीं है। जब मैं तेरे को बोलती हूँ तब तो तुम लोगों ने तमाशा ही बना रखा, खाना नहीं खाना खाना नहीं खाना। तो गाइस इस लड़की ने ना देख लो ये हिली हुई है खरगोश के दांतों वाली। मैं दोबारा कभी नहीं गिरूंगी, मतलब तू जानबूझ के थोड़ी गिरती है। इसको कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला इसको कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ खाना ना खाने की वजह से गिर गई। बीमारी नहीं है, बीमार नहीं है, ये सिर्फ खाना नहीं खा रही इस वजह से गिरी है, वीकनेस की वजह से। काम हो गया था आज तो, मेकअप किए थे ना, खरगोश की तरह से चल रही थी टेढ़ी टेढ़ी, मैं तभी बोल रही थी ये चल कैसे रही है, अब पड़ी।
बात ये नहीं पड़ी कोई चीज भी गिर जाए तो दिक्कत ये है। यूज किया इसका बैलेंस है एक बात। दूसरा औरतों का एक पोजीशन होती है कई बार की बहुत झुक के काम करना पड़ता है तो चक्कर आने की उम्मीद है आ जाते हैं। तीसरा कि कोई अननेचुरल सब्सटेंस दिया जा रहा है कोई भी मेडिसिन ले ली कॉम्बिनेशन खा ली एस्पिरिन ले ली हार्मोनल बैलेंस ले लिया कोई वेट प्रोड्यूस करने की चीज़ें ले ली वो नहीं लेनी है। नीचे ले जाओ आंटी नीचे नहीं ऊपर सुनो गल इधरों सामने तो चॉकलेट मंगवा के एक गिलास दूध दा उहदे विच चॉकलेट पा के बिल्कुल चंगी तरह उबाल के उहनू चॉकलेट वाला दूध उधरों बीकानेर तो मिल जूगी चॉकलेट बंटी नू कहदा जांदा होया चॉकलेट ले लेगा उस दुकान तो बंटी अब बता बंटी एक बार से चॉकलेट दुकान से बड़ी बड़ी ले आ एक दूध के गिलास में आंटी बोले कि चॉकलेट घोल के दूध में मतलब शेक बना हॉट मिल्क चॉकलेट वाला वो इसको पीने के लिए देना आंटी बना देना और ले जो इसको ऊपर और इसको कैब करवा देना अभी घर भेज दो। मैं इस करके कि रिकॉर्ड रख रही है ये जड़ी बकवास करती है ना फिर उत्थे डॉक्टर नु भी पागल बनाई जांदी है रोटी नहीं खाती कि सवेरे ही है सुन ले हुण सुन ले मैंने बताया रोटी ना है रोटी खाओ चाय पीवाना पानी पीवा कुछ नहीं हुण इनू दूध च एक चॉकलेट पा के उबाल के पिया दे तो फिर इहदी कैब करा के इनू घरे भेज दो।